क्वेश्चन नंबर बी सी जी एंड एच। ओके मैं फिर से बता रहा हूँ, ये अभी के अभी मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। ओके सर मेरा हो गया है। चारों के चारों यस सर। हो गए जी। ओके और किसी का दिव्या आपका हो गया दिव्या। सर बस एक बाकी है। ओके हिया हिया रामी कैन यू हेल्प मी। सर एक बाकी है। ओके परवर सोहिल 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 आपका हो गया सोहिल। सारा अरे हुआ कि नहीं हुआ अभी तो। सर मेरा दो बार। अरे इतने में तो ये तो ABCD अप टू जेड तक है यार। मैं तो जी तक है, मैं तो जेड तक कर लूँ इतने में। अभी तो ये आपको फोर समझिए, इतने देर कुछ लॉजिक तो है नहीं। 2 मिनट में आंसर आ जाता है इसका। सर हो गया। हो गया सारों का हो गया। चलो मैं सबको एक बार पूछ लेता हूँ। ये सर मुझे ये आपका समझ में नहीं आया कि सी का कैसे करना है। सर सी का कैसे करना है। सी का होगा 3.0। पता चला देखो। चलो सी का सम मैं बता देता हूँ। सी का सम कैसे करना है देखो। अभी 3 है और सर इसमें देखो कुछ नहीं है इसलिए इसमें मैंने 10 लगा दिया बस। अभी 3 एंड 0.8। अभी हमें तो क्या करना है दिव्या, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। अभी 3 और 0.8 में बड़ा करो, ऑब्वियसली 3 है ना। सर मेरा भी हो। अभी इसमें तो कुछ पॉइंट था ही नहीं। अभी 0.8 यानी कि 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 फिर 0.9 आएगा फिर 1 आएगा। ओके तो अभी 3 और 0.8 में बड़ा करो। ये तो बहुत इजी हो जाएगा दिव्या। पता चला कि नहीं चला। हमें तो क्या करना है। Which is greater? तो 3 ही बड़ा होगा ना। You are getting my point, दिव्या? यस सर। मेरे भी सारे हो। हाँ देखो हर बार ऐसा नहीं कि हमें प्रोसीजर ही फॉलो करनी है। अब ये नंबर पूछ नंबर तो हमें देखते ही पता चल जाते हैं कि इसमें तो कुछ करना है ही नहीं भाई। 3 बड़ा है। ओके देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जब बी। चलो बी का आंसर मुझे सारा देगा। सारा बी में कौन बड़ा और कौन छोटा। सारा सेवन हाँ 0.07 बड़ा, ओके वेरी गुड। 0.02 0.02 छोटा। ओके चलो सी तो हो गया था। ओके जी का आंसर मुझे देगी सिवन। सिवन मुझे बताओ 1.5 या 1.50 में बड़ा कौन और छोटा कौन। सिवन कैन यू हेयर मी। शिवानी काल में सर मैं नहीं बोलू नहीं शिवानी सर की मैं बोलू सर नहीं बोलने तो अभी उनको। मैं बोलू शिवानी कहाँ गई। शिवानी कैन यू हियर मी। चलो
चाची मुझे बताओ जी में 1.5 एंड 1.50 में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? प्राची सर शिवानी ने मैसेज भेजा है। शिवानी ने मैसेज भेजा है, देख लेता हूँ। सर उसको आपकी उसको हमको उसकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मैंने म्यूट नहीं कर दिया ना पहले तो उसे। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। 1.490 बड़ा और 1.431 छोटा। और जी का आंसर क्या है प्राची? जी का आंसर क्या है? जी का सर बोलूं मैं? प्राची जी का आंसर क्या है? प्राची सर हाँ बोलो। शिवानी 1.5 छोटा और 1.15 बड़ा। सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई तेरी आवाज। ओके सर। सर जी का आंसर मैं बोलू? नहीं 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 अभी देखो ये प्राची ने कुछ नया सर जी का आंसर मैं बोलू? नहीं 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 प्राची ने कुछ अच्छा आंसर बताया वो मुझे सही लगता है। प्राची बोलो इन दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन? प्राची सर दोनों इक्वल ही है। हाँ तो ठीक है, मुझे तो ऐसा सुनाई दिया कि 1.5 बड़ा है और 1.50 छोटा है, दोनों इक्वल है तो सही है। ओके दैट मींस राइट। ओके अभी एच का आंसर जिया ठक्कर बताएगी। जिया ठक्कर सर 1.490 बड़ा है। 1.490 बड़ा है ये नंबर? यस सर। चलो राइट, चलो बहुत ही इजी था ठीक है और फाइंड करना, और आई होप कि सबको आंसर भी आ रहा है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या कहा है कि मेक 5 मोर एग्जांपल एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देयर। ये खुद आपको लेना है चलो, पर आपको नहीं लेना है, मैंने यहाँ पे आपको दे ही दिए आपको कौन से एग्जाम्पल देने, ठीक है? मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे ही दिए, और चलो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिए और आपको खुद फाइंड करना है, और ये काम आपको होमवर्क में कर देना है ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है ना ठीक है, उसमें आपको फाइंड करके बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ठीक है। ये मैंने आपको दिए ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो खत्म हो जाती है ठीक है। बहुत ही इजी थी, कुछ था ही नहीं इसमें करने के लिए ठीक है, और ये खत्म भी हो गई, हमको पता भी नहीं चला ठीक है। चलो अभी न्यू एक्सरसाइज हम मूव करते हैं। न्यू एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 8.4 ठीक है। देखो इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेस रुपीस यूजिंग डेसिमल ठीक है। रुपीस को हमें एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल ठीक है। ये हम जानते हैं कि 1 रुपीस इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, वी ऑल नो दैट ठीक है। ये सारे कन्वर्जन हमको पहले तो आने चाहिए कि 1 रुपीस ठीक है, 1 रुपीस इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, ये तो हम शायद थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं ठीक है, 100 पैसे होते हैं दैट वी नो। ओके तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है कि इसमें एक्सप्रेस करना है, पैसा दिया है उसको रुपीस में आपको एक्सप्रेस करना है ठीक है। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पे मैंने कुछ सम आपके लिए सॉल्व करके दिए, यही प्रोसेस ऐसे आपको करना है। देखो फर्स्ट वाला सम है A5 पैसा ठीक है। क्या है A5 पैसा? 5 पैसा का जो है उसको आपको कन्वर्ट करना है रुपीज में। अभी आपको पता है 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल 100 पैसे है ठीक है। दैट मीन 5 पैसे इज इक्वल टू कितने रुपीज, उल्टा यानी कि डिविजन हो जाएगा, यानी कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 हो जाएगा। वैसे ही 5 पैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/100 ऑब्वियसली यही हो जाएगा। आप डायरेक्टली ये टर्म भी लिख सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है कि 5 पैसा इज इक्वल टू 5/100 रुपीज, और यहाँ पे रुपीज की साइन करनी है। ये हमारे जो IIT के महोदय उदय कुमार ने फाइल कर दिया, पहले रुपीज को RS लिखते थे ठीक है, पर बाद में ये सिंबल फाइन कर दिया IIT के छात्र थे उदय कुमार, उन्होंने फाइन कर दिया कि भाई अभी RS नहीं कहा जाएगा,
इसका सिंबल हमें मिल गया है ऐसा, ठीक है। इसलिए आपको ये पुट करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। देखो फिर इसको 500 यानी कि 0.05 हो गया। देखो क्या देखना है यहाँ पे, दो जीरो है यानी कि पॉइंट के बाद दो डिजिट आने चाहिए, ओके। तो पहला तो मैंने पॉइंट पुट कर दिया, फिर दो डिजिट पे ऊपर मैंने देखा भाई यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, चलो यहाँ पे, पर इससे तो बोला है दो जीरो यानी पॉइंट के बाद दो डिजिट आने चाहिए, देन भी जाके जीरो पुट कर दो, ठीक है। अभी हो गए दो डिजिट, ओके। फिर आगे तो हम जीरो पुट करते हैं, 0.05 हो गया, ठीक है। अगर जिसको पता नहीं चलता उनके लिए था, ठीक है। वैसे देखो डी वाला सम था हमारा, वैसा ही है डी वाला सम है, 15 रुपीज 90 पैसे, ठीक है। अभी उसको हमें कन्वर्ट सभी को रुपीज में ही करना है, ठीक है, सभी को रुपीज में ही करना। अभी ये 50 रुपीज तो वैसे के वैसे ही है, उसको से कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। सर मेरा 75 पैसे वाला हो गया, क्या क्या हुआ सर? वो सेकंड क्वेश्चन नहीं था 75 पैसे, वो मैंने कुछ वेरी गुड। चलो फिर देखो डी है 50 रुपीज एंड 90 पैसे। अभी देखो ये 50 तो रुपीज में ही है, ठीक है, और 90 पैसे में, तो हमको तो पैसे को पहले रुपीज में कन्वर्ट करना है, ये तो पैसा तो ही, तो पहले तो मैंने किया कि 90 पैसा है उसको मैंने रुपीज में कन्वर्ट करने दिए, 90/100 हो जाएगा, यानी कि 90 पैसा इज इक्वल टू 0.90 रुपीज हो गए, ठीक है। अभी ये तो बहुत सिंपल हो गया, अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज के अंदर, तो हम क्या करेंगे, देखो 50 रुपीज तो था यानी कि 50 प्लस 90 पैसे, ठीक है, या 0.90, आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये कि 50 रुपीज प्लस क्या करना है आपको 0.90, जो यहाँ पे रुपीज आया था ना वो यहाँ पे, यानी कि 50.90 रुपीज हो गए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सबको इसमें पता चला कि नहीं चला है? यस सर। बहुत सिंपल था ना, मैं सबको एक बार पूछ ही लेता हूँ। चलो हिया आपको पता चला? हिया यस सर। दिव्या यस सर। प्राची यस सर। सारव यस सर। शिवानी सर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया इसमें। किसमें समझ नहीं आया, चलो वो भी बता दो, कौन सा वाला सब यार किस सर? डी वाला। डी वाला में आपको किसमें पता नहीं चला बताऊंगा सर? पैसे सर डेसिमल में आ जाए नंबर तो वो रुपीस में हो जाएगा। देखो यानी कि ये रुपीस में हो जाएगा वैसा। यस सर। ओके देखो पहले तो देखो शिवानी यहाँ पे 50 रुपीस तो था ही, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 50.90 ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना रुपीस में, ठीक है। चलो उसे जान लो। यस ओके, पहले ये 50 रुपीज है, मुझे कन्वर्ट करना है पूरे नंबर को रुपीज में। अभी ये तो रुपीज में है यानी कि इसको तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत है, 90 पैसे को मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अभी 90 पैसा, ठीक है, उसको रुपीज में करने यानी कि उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर दिया। अभी 90/100 तो ये 0/0 कट हो गया, ओके, ये 0/0 कट हो गया, तो 9/10 यानी कि 0.9 हो गया, 0.9 हो गया शिवानी, या 90 कट नहीं करना है तो 0.90 आएगा, वरना 0.9 आएगा, दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि अभी आगे वाला हिसाब हमने देखा कि 0.15 एंड 0.15 शायद मैंने ये आंसर तुझे ही पूछा था शिवानी, दोनों सेम है या कौन सा बड़ा है, तो फिर आपका आंसर था सर दोनों सेम है, ठीक है। वैसे ही देखो 0.9 लिखो या 0.9 लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि 90 पैसे जो था उसका रुपीज हो गया 0.9 या 0.9। अब तो सिंपल होगा, 50 पैसे थे प्लस हमें क्या करना है 90 पैसे, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया 50 रुपीज तो थे हमारे पास, सॉरी, और फिर हो गए 90 पैसे, यानी कि ये 90 पैसे थे, अभी 90 पैसे का क्या हो गया 0.90 रुपीज हो गया ना, हमने कन्वर्ट कर दिए रुपीज में, दोनों रुपीज रुपीज में हो गए, तो उसके एडिशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो 50.90 रुपीज उसके आंसर आ गया, कन्वर्ट हमें रुपीज में ही करना है, ओके, गॉट इट शिवानी? यस सर। ओके देखो वैसे देखो जो सेकंड वाला जो समय क्वेश्चन नंबर बी है उसमें भी आपको वैसा ही करना है, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट कर देना है। देखो जो क्वेश्चन नंबर बी क्या है, मीटर एंड सेंटीमीटर का रिलेशन है, सेम ऐसा का ऐसा ही करना है, पर इसमें रिलेशन कुछ ऐसा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये पूरी एक्सरसाइज ये कन्वर्जन के बेस ही है, ठीक है, वो क्या है कि 1
मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अभी 15 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 15/100 कर देते हैं, 15/100 कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे दो डिजिट काउंट करने हैं 1 और 2, और उसके आगे आपको पॉइंट पुट करना है क्योंकि 100 में दो जीरो है, ठीक है, तो 1 और 2 है यहाँ पे, तो आगे जीरो पुट करते हैं तो आंसर आ गया 0.15 मीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, ठीक है। वैसे देखो सेकंड वाला सम क्या है, सी वाला सम है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। देखो इसके जैसा ही वो रुपीस में था, यहाँ पे मैं मीटर में कन्वर्ट करना, अभी 2 तो मीटर में है, उसको सब कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 45 सेंटीमीटर को हम कर देते हैं तो 45/100 करना ही पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि 45/100, यानी कि इसका कन्वर्जन करने के बाद ये 45 सेंटीमीटर के मीटर कितने हुए, 0.45 उसके मीटर हो गए, ठीक है, 0.45 क्या हुए उसके मीटर हो गए। अब ये तो मीटर में होगा, ये तो मीटर में था, यानी कि 2 मीटर प्लस 0.45 मीटर, यानी कि आंसर आएगा 2.45 मीटर, ठीक है। सब में ऐसा ही करना है, रिलेशन सिर्फ आपको पता होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर का सेंटीमीटर कितना होता है, ठीक है, वो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको वो सब नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, सबको इसमें पता चला है कि नहीं चला है? यस सर। ओके, यस सर, यस सर। मीटर इन डेसिमल था, फिर क्या एक्सप्रेस सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल है, किलोमीटर है और किलोग्राम है, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना जितने हो सके। चलो मैं आपको सभी को रिलेशन बता देता हूँ, ठीक हो, मीटर का सेंटीमीटर आपको पता चल गया, ठीक है, क्या था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर है, ठीक है। अभी हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो हमारी स्केल में होता है, और उसके अंदर 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर होते हैं हमारे स्केल में, जो छोटे छोटे एरो होते हैं ना, वो 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने होते हैं, 10 होते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, हाँ, तो इसका रिलेशन 10 वाला होगा, ओके। और फिर देखो एक्सप्रेस किलोमीटर एंड मीटर, अभी हमको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होते हैं 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं, तो ये क्वेश्चन होगा वो कुछ उसमें होगा, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। फिर क्या है, ये रिलेशन भी ऐसा ही होगा 5 वाला कि ग्राम के किलोग्राम कितने होते हैं, किसी को पता है 1 ग्राम इज इक्वल कितने किलोग्राम होते हैं, रिलेशन किसी को पता हो तो मुझे बताओ। 1000, बस वही वैसा ही है, इसके जैसा ही रिलेशन है, ठीक है, इसके जैसा ही 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। पर यहाँ पे देखो रिवर्स करना है, यानी कि आपको डिवीजन ही आएगा सब में, यानी कि देखो ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने 100 से डिवाइड किया था पैसे में रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें 100 से किया, इसमें आपको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, और इन दोनों में आपको 1000 से डिवाइड करना है। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? यस नो सर, नो सर। चलो फिर से पूछ ही लेता हूँ। नो सर। हाँ क्योंकि होमवर्क भी क्या कि आता नहीं सभी का, ठीक है, ये दिव्या और शिवानी का आ जाता है रेगुलर, बाकी कोई होमवर्क भेजता नहीं, क्या आपको अच्छा नहीं लगता क्या मैच? जिया जिया ठक्कर, आप सर मैं भेजती हूँ। जिया ठक्कर सर, मैं तो रोज भेजती हूँ। जिया डॉक्टर नहीं, हिया तो भेजती है, हिया भेजती है, शिवानी दिव्या एंड हिया, इनका रेगुलर आता है, सारों का कभी कभी आता है, वो क्या है कि पता नहीं मूडी इंसान ही क्या, जब मूड हो तब भेजता है वरना नहीं भेजता, ऐसा ही है ना सारा? सर हाँ बोलो सर, भेजना भूल गए आज भी, आज सर मेरा इनकम्प्लीट, सर मेरा इनकम्प्लीट है ना, लिखा है पर भेजना भूल गए, थोड़ा सब खत्म करके फिर भेज रही हूँ। हाँ तो फिर आज जितना भी इनकम्प्लीट हो या कम्प्लीट हो, जितना भी क्यों ना, मुझे आज चाहिए, ओके जिया? ओके सर, आज आज के पूरे दिन, चल आज पूरे दिन करना और कल मुझे भेजना, ओके ओके जिया, जिया ठक्कर की बात कर रहा हूँ, ओके ओके सर। देखो मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ये मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको होमवर्क भेजना है, ये मेरे लिए तो है नहीं,
आप घर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे सब सब कुछ आपके लिए, क्योंकि अभी आप देखो अभी जो लॉकडाउन में ऐसे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगले अगले साल आप सेवंथ में आ जाओगे, फिर क्या है कि कई बार आपको कुछ मेथड में आपको पता नहीं चलेगा सर ये कैसे आ गया। पर जो लोग हर रोज होमवर्क करते खुद से ट्राई, देखो मैं एक बात शिवानी की मुझे बहुत अच्छी लगती है, अराउंड 3 or 4 months से, ठीक है 3 और शायद किसी को पता भी नहीं होगा, कोई भी समय उसे कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेती, ठीक है सर, या उसका जो उसको पता नहीं चला उसका मुझे पिक भेज देती, सर मुझे ये वाला सम पता नहीं चला आप मुझे एक्सप्लेनेशन दो, और हर बार मैंने उसको जब भी मुझे टाइम मिलता मैं उसको उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। वो ईगरनेस होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, वरना कुछ फायदा नहीं भाई, ऐसे तो क्या है कि डे बाय डे चलता ही जाएगा, ठीक है, और हम कुछ गेन नहीं करेंगे। और मैथ्स को कभी इग्नोर नहीं करना है, जिसका मैथ्स अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, ये लाइफ में ये मेरी बात याद रखना, जिसका मैथ्स अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, ओके। तो हर रोज होमवर्क मुझे चाहिए सभी का, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, सारा दिव्या यस ओके यस सर, मुझे होमवर्क आ जाना चाहिए, ठीक है यस सर, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी को आगे जाके इलेवन और ट्वेल्थ साइंस ही करना है, ठीक है, और हमें आगे और उसके लिए मैथ्स तो आपका सर आज कहाँ तक करना है, आज हमको ये दोनों एक्सरसाइज पूरी कर देनी है, अगर दूसरी एक्सरसाइज आपको नहीं आती है 8.4 वाली कुछ है नहीं उसमें, ऐसा ही करना है, ठीक है, इसकी पीडीएफ तो आपको आ जाएगी, ठीक है, यानी कि अप टू क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको आ जाएगी, पर आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से वही एक्सरसाइज आपको एक बार सॉल्व करवा दूंगा, ओके। आपको आता है खुद से ट्राई करना, एकदम इजी है नहीं आए ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा 90%, ठीक है, मगर तो भी नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ओके ओके सर, ओके सर, ओके, तो यहाँ पे मैं प्लान करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ओके सर, बाय एंड हैव अ गुड डे, बाय सर, बाय सर, बाय सर, bye sir bye